हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबका स्वागत है रियलिटी तरका पर। और आज हम बात करने वाले हैं मेरा और आपका पसंदीदा रियलिटी शो स्वीट्स विला 13 के बारे में। और इस वीडियो में हम स्वीट्स विला 6 की फुल एपिसोड की रिव्यू करने वाली हूँ। सो दोस्तों, आज की एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होने वाली है, साथ ही में डबल एविक्शन देखने को मिलेगी। जैसे कि हम सबको पता है, केविन, कैट एंड पलक पिछले टास्क के विनर रह चुके हैं, तो इस वजह से केविन, कैट, पलक और निखिल हो जाएंगे सेफ। साथ ही में सिल्वर विला से ध्रुव, रिया, जानवी एंड समर्थ्या सेफ जोन में दिखाई देंगे। चारों कपल में से पलक और निखिल ओरिकल के सामने जाने वाले हैं, और आगे क्या होने वाले आप खुद ही देख लीजिए। निखिल और पलक, आप दोनों एक आइडियल मैच। सब लोगों ने देखा, निखिल और पलक एक आइडियल मैच नहीं बनते हैं ओरिकल के कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो इन दोनों को अब एक कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ेगी, जिसकी वजह से निखिल को गोल्डन विला में स्टे होने के लिए अवंतिका को डंपिंग जोन से गोल्डन विला में लाना पड़ेगा एंड पलक को सिल्वर विला वापस जाना पड़ेगा। सो टेक्निकली जो दो लड़कियां डंपिंग जोन में रह जाती है, वो दोनों हो जाती है स्वीट्स विला 13 से एलिमिनेट, यानी कि आस्था एंड श्वेता स्वीट्स विला 13 से बाहर हो जाती है। अलावा एपिसोड 6 में आपको दो वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिलेगी। वो दो वाइल्ड कार्ड होंगे सपना, जो कि रोडीज की कंटेस्टेंट रह चुके हैं, एंड देवाशीष फ्रॉम ऑनलाइन ऑडिशंस और स्वीट्स विला। एपिसोड 6 की डंपिंग राउंड में रिया और शिवम के बीच में बहुत ही गंदी लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन एपिसोड ख़त्म होते तक इन दोनों के बीच की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएगी और ये दोनों साथ में वापस से एज अ कनेक्शन परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। रियलिटी शो से जुड़ी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आपका पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है इस बार स्वीट्स विला 13 में, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।